हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेकर डी पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, उन सभी में हमें दो ट्राइंगल्स गिवन होंगे और हमें ये बताना होगा कि कौन से क्राइटेरिया के द्वारा वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। और इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि एसी इज इक्वल टू डीएफ है, यानी कि ये जो एसी साइड है ये इस डीएफ साइड के इक्वल है। तो देखिए, दोनों साइड्स पर हमने सेम सिंबल बनाए हैं। फिर हमें दिया गया है एबी साइड इक्वल है डीई साइड के। देखिए, ये एबी साइड और ये डीई साइड, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, तो इनमें भी हमने सेम सिंबल बना दिए हैं। बीसी इज इक्वल टू ईएफ, देखिए ये वाली जो बीसी साइड है ये ईएफ साइड के इक्वल है, तो इसमें भी देखिए हमने सेम सिंबल बनाए हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। अब हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये कौन से क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हुए। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। देखिए, हमें ये साफ साफ गिवन है के ट्रायंगल एबीसी की जो तीन साइड्स हैं वो ट्रायंगल डीईएफ की कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हैं। जैसे कि एबी साइड डी साइड के इक्वल है, एसी साइड डीएफ साइड के इक्वल है और बीसी साइड ईएफ साइड के इक्वल है। तो यहां पर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हैं, इसलिए यहां पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ही यूज होगा। इसीलिए यहां पर आंसर में हमने लिखा है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब हम बी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट में हमें गिवन है ZX इज इक्वल टू RP। देखिए, ये जो ZX साइड है ये हमें गिवन है कि ये RP के इक्वल है इस साइड के। उसके बाद हमें दिया गया है RQ इज इक्वल टू ZY, और ये जो RQ साइड है ये हमें इक्वल गिवन है ZY के, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसके अलावा हमसे कहा गया है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। देखिए, एंगल PRQ यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल XZY यानी कि इस एंगल के। और उसके बाद हमें दिया गया है सो ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, यानी कि ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट गिवन है कौन से ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल XYZ के साथ। अब हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हमें दिए गए हैं, ये कौन से क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियरली हमें गिवन है कि ZX साइड और RP साइड आपस में इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड RP और ये वाली साइड ZX, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। उसके बाद देखिए RQ इज इक्वल टू ZY गिवन है, RQ यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और फिर हमें दिया गया है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY, यानी कि ये वाला एंगल एंगल PRQ ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, यानी कि एंगल XZY के। अब देखिए, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स ये आपस में इक्वल है। देखिए, ये साइड इस कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल, और जो दो एंगल्स इन ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल गिवन है वो इन दोनों साइड्स के बीच में है। ये जो एंगल है एंगल PRQ ये इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, और ये जो एंगल है एंगल XZY ये एंगल भी इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। तो जब दो कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उनके बीच के एंगल्स जिनको हम इंक्लूडेड एंगल्स भी कहते हैं, अगर ये इंक्लूडेड एंगल्स भी आपस में इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड। देखिए, यहां पर ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यहां पर यूज होगा। इसीलिए यहां पर हमने आंसर में लिखा है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
अब हम सी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सी पार्ट में हमें गिवन है एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। एंगल एम एल एन यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल एफ जी एच के, यानी कि इस एंगल के, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसके बाद हमें गिवन है एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच, यानी कि एंगल एन एम एल इक्वल है एंगल जी एफ एच के। तो एंगल एन एम एल कौन सा एंगल हुआ? ये वाला एंगल। और एंगल जी एफ एच कौन सा हुआ? ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और उसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स एम एल इज इक्वल टू एफ जी। ये जो एम एल साइड है ये इक्वल है एफ जी साइड के। और उसके बाद हमें गिवन है ट्रायंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी एफ एच, यानी कि ट्रायंगल एल एम एन और ट्रायंगल जी एफ एच आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से ये कॉन्ग्रुएंस है। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उन दो एंगल्स के बीच वाली जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। देखिए ये दो एंगल के बीच वाली साइड क्या है? एम एल। और इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड क्या है? एफ जी। यानी कि इन दो ट्राइंगल्स में जो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं उनके बीच वाली साइड, जिसको हम इंक्लूडेड साइड भी कहते हैं, वो भी आपस में इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल साइड एंगल। तो देखिए यहां पर हमने यही लिखा है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हम डी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। डी पार्ट में हमें गिवन है ई बी इज इक्वल टू डी बी। देखिए ये ई बी साइड और ये डी बी साइड, ये आपस में इक्वल है। ए ई इज इक्वल टू बी सी, ये ए ई साइड और ये बी सी साइड, ये भी आपस में इक्वल है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसके बाद हमें कहा गया है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, यानी कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के साथ? ट्रायंगल सी डी बी के साथ। अब हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है, यानी कि ये राइट एंगल दोनों के ही अंदर है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। एक तो इन दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल है, उसके अलावा इन दोनों के हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल है। हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है किसी भी ट्राइंगल में, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल। इसके सामने वाली साइड कौन सी है? बी ई। और देखिए यहां पर हमें ये कहा गया है कि जो ई बी साइड है ये इक्वल है डी बी साइड के, इस ट्राइंगल की डी बी साइड के। देखिए इस ट्राइंगल में जो ई बी साइड है वो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, और इस ट्राइंगल में जो ये डी बी साइड है ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली यानी अपोजिट साइड कौन सी है? डी बी। यानी ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनमें राइट एंगल भी आपस में इक्वल हैं और दोनों के हाइपोटेन्यूस भी आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा हमें ये भी गिवन है स्टूडेंट्स कि ए ई इज इक्वल टू बी सी, यानी इस ट्राइंगल की ए ई साइड और इस ट्राइंगल की बी सी साइड भी आपस में इक्वल है। अब हम इजिली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें कि राइट एंगल भी आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूस भी आपस में इक्वल हैं, और इन दोनों ट्राइंगल्स की ये एक एक साइड भी आपस में इक्वल हैं। तो ये कौन सा क्राइटेरिया होता है? आरएचएस। आरएचएस क्राइटेरिया कौन सा होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। यानी अगर दो ऐसे ट्राइंगल्स हों जिनमें दोनों में ही राइट एंगल भी हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल, वो तो आपस में इक्वल होंगे ही। इसके अलावा दोनों के अगर हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हैं, जैसे कि इस केस में हमने देखा दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हैं, और अगर कोई दो साइड्स भी आपस में इक्वल गिवन है, तो यहां पर आरएचएस का क्राइटेरिया लगता है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।